हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं फिर आ चुका हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि आज होने वाला है स्त्री 2 पे रिव्यू वीडियो। हालांकि ये फिल्म रिलीज हुए बहुत दिन हो चुका है, पर मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसे हाल ही में ही देखा है। तो मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ, और साथ ही में यहाँ पे जो अभी कुछ दिन पहले ओपन हुआ है साइन कॉस्मो सेंटर मॉल में थिएटर मल्टीप्लेक्स, उसका भी रिव्यू देने वाले हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके अंदर। इससे पहले वहाँ पे कार्निवल सिनेमास था, पर वो बंद हो गया था। उसके बाद साइन कॉस्मोज ओपन हुआ है, तो कुछ अलग डिफरेंस है कि नहीं, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, और स्त्री 2 मूवी का फुल रिव्यू देंगे, स्टोरी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये एक रिव्यू वीडियो होने वाला है, हालांकि ये ब्लॉग नहीं होगा, एक रिव्यू वीडियो होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस पर भी बनाया जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अपने भाई के साथ गया था स्त्री 2 मूवी देखने सेंट्रल मॉल के साइन कॉस्मो में। तो टिकट का प्राइस जो है वो 250 रुपीज पर हेड पड़ा था, सबसे लास्ट वाला सीट था। तो वहाँ से एक्सपीरियंस कैसा रहा कैसा नहीं, सब कुछ बताएंगे। और स्त्री 2 मूवी मुझे कैसा लगा, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाना चाहिए देखने के लिए कि नहीं, और अगर स्त्री 2 देखने से पहले स्त्री देखना होगा कि नहीं, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला सके तो फैलाइए वीडियो। और मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने बारबेक्यू नेशन में पिछला वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें, और मेरा पिछला सारा वीडियो वगैरह जरूर देखें। और इसी तरह प्यार दिखाते रहे, सपोर्ट दिखाते रहे। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस कैसा नहीं। तो सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट होता है सेंट्रल मॉल से। तो मैं सेंट्रल मॉल जाऊंगा, आप लोगों को वहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे बाहर का, और अंदर का साइन कॉस्मो का व्यू दिखाएंगे, और अंदर में कैसा सीट्स वगैरह है, क्या एक्सपीरियंस रहा कैसा नहीं, सब कुछ दिखाएंगे और फुल रिव्यू भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सेंट्रल मॉल मैं पहुँच चुका हूँ, ये रहा सेंट्रल मॉल के बाहर का व्यू। तो अंदर जाते हैं, इसके 4th फ्लोर पर साइन कॉस्मो है, मेरा 11 AM का शो है। तो वो देखते हैं स्त्री 2 का 250 रुपीस पर हेड कॉस्ट लगा है। तो मैं साइन कॉस्मो पहुंच चुका हूं, तो देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है, मेरा स्क्रीन 3 में मूवी होने वाला है, तो वहीं पे देखेंगे, देखते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस कैसा नहीं, आप लोगों को सब बताएंगे। तो देख सकते हैं मैं अंदर घुस चुका हूं, अब मैं अंदर जा रहा हूं। तो देख सकते हैं ये रहा सीट। तो मुझे वैसा कुछ खास डिफरेंस कार्निवल सिनेमा से नहीं लग रहा है, बस हल्का सा रेनोवेट करके वही सेम चीज़ ही दिखाया जा रहा है। अब मूवी कर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो यही है मेरा भाई, इसी के साथ मैं देखने आया हूँ मूवी। तो चलिए देखते हैं मूवी और आप लोगों को बताते हैं कैसा लगा। तो मूवी का स्टार्टिंग जो होता है वो होता है स्त्री जहाँ पे एंड हुआ था वहाँ से। तो मूवी बहुत अच्छे पेस से स्टार्ट होता है, जहाँ पे स्त्री एंड हुआ था वहीं से स्त्री 2 स्टार्ट होता है। तो आप लोग को ये मूवी देखने से पहले स्त्री देखना ज़रूरी है, ताकि आप लोग को स्टोरी समझ में आएगा, क्योंकि वहीं से ये कंटिन्यू होता है स्टोरी। तो आप लोग को स्त्री देखना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर जा रहे हैं स्त्री 2 देखने, तो स्त्री ज़रूर देख के जाइएगा। और मूवी स्टार्ट होता है, मूवी में वही पहले पुराना चीज़ का रिकैप एक सॉन्ग के थ्रू दिया जाता है, जो पंकज त्रिपाठी गाते हैं, और वो आपको एक सॉन्ग के थ्रू पुराना स्टोरी का पूरा रिकैप दिया जाता है, और उसके बाद फिर नया स्टोरी स्टार्ट होता है। तो नया स्टोरी में इस बार सर कटे के बारे में बताया जाता है। तो स्टार्टिंग सर कटे के एक फेस से होता है, जहाँ पे मॉडर्न सोच वाली लड़कियों को सर कटा उठा के ले जाता है। स्त्री में स्त्री का स्टोरी था, और स्त्री 2 में सर कटे का स्टोरी है। तो सर कटा कौन है वो आप लोग को मूवी में आके जाके पता चलता है। तो सर कटा जो स्त्री को मारा था वो है सर कटा, हालांकि एक राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जिसने स्त्री को मार दिया था। और जब स्त्री स्त्री बनी तो उसने उसका सर काट दिया था और उसे जमीन में गाड़ दिया था। तो स्त्री के जाने के बाद वो जमीन से निकल के सरकटा वापस आ चुका है, और सरकटा जो नए सोच के लड़की है वो सबको उठा रहा है और उसे अपने जगह लेके जा रहा है। तो स्टोरी में यही स्टार्टिंग है, और यही सरकटा का पूरा स्टोरी है। तो अब जो राजकुमार राव है उसका काम है इसके बारे में पता लगाना, और इसे पकड़ना, इसे समझना, और इसे सब कुछ कर। और श्रद्धा कपूर भी वापस आ चुकी है, तो वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिए कि विक्की का क्या रिएक्शन है श्रद्धा कपूर को देख के इतने दिनों के बाद। तो वो भी रिएक्शन आप लोग देख लीजिए आगे वीडियो में।
तो आप लोग देख सकते हैं विक्की का क्या रिएक्शन है। हमने कितना याद किया आपको दिल से हाथ से, और इतने दिनों बाद आई हो आप। आपको पता है सब लोग आपके पीछे। तो फिल्म बहुत अच्छा है, बहुत ही मजा आया देख के, बहुत ही मजा आएगा आप लोग जब देखिएगा। तो कॉमेडी भी है, हॉरर बहुत ही कम है, कॉमेडी जबरदस्त सा है और बहुत ही मजा आप लोग को आएगा उसको देख के, बहुत ही मजा आएगा। और लास्ट में क्लाइमेक्स सीन में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। क्लाइमेक्स में आपको स्त्री, भेड़िया, सरकटा सब एक साथ देखने को मिलेगा। तो ये रहा इस स्त्री टू का क्लाइमेक्स सीन, इसमें आपको सरकटा, भेड़िया, स्त्री सब कोई देखने को एक साथ मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ग्लिम्स इसका देख लीजिए, बहुत मज़ेदार सा मूवी था, बहुत ज़बरदस्त सा मूवी था। तो देख सकते हैं सरकटा, भेड़िया, स्त्री सब एक साथ है। अगर आपने भेड़िया मूवी नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, भेड़िया भी बहुत अच्छा मूवी है वरुण धवन का, वो भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है, एक ये हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है। हॉरर यूनिवर्स में स्त्री, स्त्री टू और भेड़िया, मुंजिया ये सब कुछ आता है। तो आप लोग ये सब देखिएगा तब आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन भी वगैरह आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे एमसीयू मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन, वो भी आप लोग को इस मूवी में देखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छा स्टोरी है, काफ़ी मज़ा आएगा, कॉमेडी है, हॉरर है, सब कुछ है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो बहुत मज़ा आप लोग को आएगा, मूवी है बहुत मज़ेदार सा मूवी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मूवी का मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर पूरा स्टोरी बताएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता दिया आप लोग को स्टोरी। तो बेसिक मैंने एक स्टोरी आपको बता दिया कि ये होने वाला है मूवी में, और लास्ट में आप लोग पता है कि राजकुमार राव जो है वो सरकटे को हरा देगा और वो बात ख़त्म। लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होगा, अक्षय कुमार का कैमियो भी इस मूवी में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त सा सीन है, काफ़ी कॉमेडी है, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा आप लोग को ये मूवी लगेगा। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख सकते हैं फैमिली के साथ। हॉरर बहुत ही कम है, कॉमेडी ज़्यादा है, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को देख के, और अलग ही लेवल का सीन क्रिएट हो जाएगा हॉल में अगर आप लोग ये मूवी देखने को जाइएगा। तो बहुत मज़ा आएगा आप लोग ये मूवी देख के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मूवी, मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर रेटिंग इसका किया जाए तो मैं 4 out of 5 देने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा मुझे ये मूवी लगा, काफ़ी अच्छा मूवी था, और आप लोगों ने इसका कलेक्शन वगैरह भी देखा होगा, काफ़ी अच्छा कमा रहा है ये मूवी, और इसका रिव्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे मूवी बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मूवी का। और अब रहा बात थिएटर का, तो मुझे वैसा कुछ खास नहीं लगा, मुझे ओवर प्राइस लगा यहाँ पे। जैसा कार्निवल सिनेमास था वैसा ही साइन कॉस्मो भी है, कुछ खास अलग सा नहीं है, उसी को हल्का फुल्का रिनोवेट करके बस दिखाया जा रहा है। वैसा कुछ खास मुझे नहीं लगा साइन कॉस्मो। मैंने इससे पहले कोलकाता में मूवीज़ वगैरह देखा था, वैसे एक्सपीरियंस मुझे वहाँ आसनसोल में नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि मुझे ओवर प्राइस लगा साइन कॉस्मो। मुझे वैसा कुछ खास नहीं लगा साइन कॉस्मो। साइन कॉस्मो वही कार्निवल सिनेमास जैसा ही है, जस्ट थोड़ा सा रिनोवेट करके दिखा दिया जा रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, एकदम नॉर्मल सा एक्सपीरियंस था वैसा, ना साउंड क्वालिटी था, ना एसी का क्वालिटी था, ना सीट का वैसा क्वालिटी था। बहुत सारे सीट तो अभी भी टूटा हुआ है, जैसे कार्निवल सिनेमास में टूटा हुआ था, तो वही सेम एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला है। वैसा कुछ खास मुझे लगा नहीं, अंदर में एक गंदगी वगैरह भी था, तो वैसा कुछ खास एक्सपीरियंस मुझे हॉल का नहीं लगा। मल्टीप्लेक्स का जो यह नया खुला है साइन कॉस्मो, वही सेम चीज़ ही है, बस ओवर प्राइज्ड है, तो वैसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं लगा। अब बाकी रहा बात मूवी का, मूवी बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर देखिए अगर नहीं देखा है तो। और अगर पूरा यूनिवर्स हॉरर यूनिवर्स का आप लोग पार्ट देखिएगा तो और मज़ा आएगा, स्त्री, उसके बाद भेड़िया, उसके बाद मुंजिया, तब स्त्री टू, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोग को देख के। और इसके बाद भी बहुत सारा इसका पार्ट आने वाला है, स्त्री 3 भी आएगा, और भी बहुत सारा मूवीज़ लाइनअप में है हॉरर यूनिवर्स का। तो एक अच्छा यूनिवर्स ये क्रिएट किया जा रहा है इंडिया में, एक अच्छा कॉमेडी और हॉरर सब मिक्स करके दिखाया जा रहा है मूवी का। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मूवी का, बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी। और मूवी एंड होने के बाद ये सॉन्ग का तो एक अलग ही मज़ा था, क्या ही सॉन्ग है ये, ज़बरदस्त था। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने क्या ही आवाज़ इसमें दिया है, काफ़ी ज़बरदस्त था ये सॉन्ग था, क्या वाइव है, क्या ही ज़बरदस्त सा सॉन्ग है। तो अब मूवी देख के चलते हैं यहाँ से। तो मूवी देखने के बाद हम सब आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, तो मैंने लिया है सेव पूरी, तो इसे जल्दी खाते पीते हैं फिर घर जाते हैं। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा मूवी का, मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, तो होप करेंगे आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग को मिलते रहे। और मेरा पिछला सारा वीडियोज़ वगैरह जरूर देखा, अभी तक नहीं देखा है तो।
और ये नॉर्मल सा वीडियो था, एक रिव्यू वीडियो था, मैंने पूरा स्टोरी भी नहीं आप लोगों को बताया, एक ओवरऑल ऊपर ऊपर से स्टोरी बता दिया है कि जब आप लोग ये मूवी देखिए तो आप लोग को अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले, इसलिए मैंने पूरा स्टोरी नहीं बताया। ओवरऑल एक्टिंग का बात करें, VFX का बात करें या कॉमेडी हॉरर, सब सब बैलेंस था इस मूवी में, बहुत अच्छा मूवी था ओवरऑल। और थिएटर का एक्सपीरियंस मुझे वैसा कुछ खास नहीं लगा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला वैसा कुछ खास नहीं था, मुझे ओवर प्राइस लगा। साइन कॉस्मो जो था वही सेम चीज़ यहाँ आप लोग को देखने में मिलेगा, इससे बहुत बेटर आईनॉक्स है कोलकाता में, मैंने वहाँ मूवी देखा है, बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। तो मूवी बहुत अच्छा था, आप लोग देखे जरूर, अगर अभी तक नहीं देखा है तो फैमिली के साथ बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होगा मूवी में, तो बहुत अच्छा मूवी था, आप लोग जरूर जा सकते थिएटर ये मूवी देखने के लिए। तो होप करेंगे आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा व्यू इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वगैरह आने वाला है, बहुत सारे वीडियोज़ लाइनअप में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए ब्लॉग के साथ और किसी नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय माता दी।